नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई व्हाट दिस एक्स रेस टू ए अपन एक्स रेस टू बी द होल रेस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स रेस टू बी अपन एक्स रेस टू सी द होल रेस टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस थर्ड एक्स रेस टू सी अपन एक्स रेस टू ए द होल रेस टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी सीयर. इफ यू सी वन टिपिकल थिंग अबाउट दिस एक्सप्रेशन इज ऑल द एक्सप्रेशन आर सिमिलर ओनली ए बी सी आर चेंज्ड. सो इवन इफ यू सॉल्व वन एंड अप्लाई द सेम रूल्स टू अदर यू विल गेट द सेम आंसर. सो दैट्स वाई इट बिकम्स ईजियर देन. वन बेसिक एल्जेब्रिक फॉर्मूला इज एक्स रेस टू ए अपॉन एक्स रेस टू बी इक्वल्स टू एक्स रेस टू ए माइनस बी. दिस फॉर्मूला वी विल बी यूजिंग नाउ. सो एक्स रेस टू ए माइनस बी सी दिस फर्स्ट वन एक्स रेस टू ए माइनस बी इन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स वॉट वी हैव डन वी हैव कन्वर्टेड दिस टू एक्स रेस टू ए माइनस बी ओवर हियर एंड देन जस्ट मल्टीप्लाइड इट. सिमिलरली फॉर अदर्स एक्स रेस टू बी माइनस सी इन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स रेस टू सी माइनस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इट शुड बी प्लस ओवर हियर. सो नेक्स्ट वॉट इज द फॉर्मूला फॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटी ओवर इन द अबव एक्सप्रेशन? यस. सो इट बिकम्स वॉट दिस एक्सप्रेशन बिकम्स दिस मल्टीप्लीकेशन वॉज राइट ओवर हियर द क्वेश्चन वॉज रॉन्ग इट शुड बी मल्टीप्लाई ओवर हियर एवरीवेयर देर शुड नॉट बी प्लस. ओके सो कंटिन्यू विद मल्टीप्लाई multiplication. So where are we now? A cube minus b cube equals to a minus b into a square plus b square plus ab. We are finding the similarity over here. So this expression becomes x raised to this becomes a cube minus b cube and this second one becomes b cube minus c cube. Third one becomes x raised to c cube minus a cube. Now you add them because here x raised to a into x raised to b equals to x raised to a plus b. So similarly this logic, so x raised to a b we'll see this capital A capital B capital C means we can add them using this formula. Okay, or you can call this identity. So x raised to a minus b plus b a cube minus b cube plus b cube minus c cube plus c cube minus a cube. Now if you do this it will become x raised to 0. Now that